Students, in our math chapter number 11, area and its boundary. Next point is greeting cards. Sanya, Arushi, Manav and Kabir made greeting cards. Complete the table for their cards. इन सब लोगों ने मिलकर बनाया है greeting cards. देखते क्या है? सान्या के greeting card की length है 10 cm, width है 8 cm. हमें निकालना है perimeter और एरिया. फर्स्ट है सान्या, जिसकी ग्रीटिंग कार्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर. सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर. फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल टू लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज 8 सेंटीमीटर एंड 2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 18 एंड योर आंसर इज 36 सेंटीमीटर. मीन्स पेरीमीटर फ्रॉम सान्या ग्रीटिंग कार्ड इज 36 सेंटीमीटर. ये है सान्या के ग्रीटिंग कार्ड का पेरीमीटर. अब निकालते एरिया. एज यू नो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. सो 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 80 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. सो एरिया इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ फॉर मानव एंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ग्रीटिंग कार्ड इज 11 सेंटीमीटर एंड नाउ ही हैज गिवन दैट इट्स पेरीमीटर. अब थोड़ा अलग है. मानव के ग्रीटिंग कार्ड की लेंथ तो दी है, वो है 11 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी विड्थ नहीं दी है और दिया है डायरेक्ट पेरीमीटर. तो हमें पता है पेरीमीटर किसे कहते हैं. किसी भी रेक्टेंगुलर ग्रीटिंग कार्ड का पेरीमीटर होता है सारे साइड्स की लेंथ. अब हमें पता है ये है रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड है इक्वल, तो ये दोनों साइड है लेंथ वाले 11 सेंटीमीटर. तो लिखते 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर. अब जो दोनों साइड बची है वो है विड्थ उसकी, उसको लिखते हैं हम साइड प्लस साइड. और हमें पता है सबकी एडिशन जो है पेरीमीटर वो है 44 सेंटीमीटर की. अब हमें पता है 11 वो हुआ 22 प्लस साइड साइड वो हुए 2 साइड. अब हमें पता है इधर का ये जो 22 है, अगर हमें चाहिए 2 साइड तो बोथ साइड से हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे 22. तो हमें मिलेगा 2 साइड इक्वल 44 माइनस 22 और आंसर मिलेगा 2 साइड इक्वल 22. और अगर साइड चाहिए तो दोनों साइड 2 से करेंगे डिवाइड और साइड मिलेगा 22 डिवाइड बाय 2 और आंसर आएगा फिर से 11. सो ये जो रेक्टेंगल है वो है एक्चुअली 11 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर वाला ग्रीटिंग कार्ड. Now, area for the square greeting card. We know the formula. Area of square is side multiply side. So, 11 multiply 11, answer is 121 square centimeter. So, area of Manav's greeting card is 121 centimeter square. Now, for Arushi's greeting card. Here, length is not given. Arushi ki greeting card mein hamein length di hui nahi hai, lekin uski width di hui hai. Aur wo hai 8 centimeter. Aur uska diya hai area. Wo hai 18 square centimeter. As we know, the formula for area of rectangle is length multiply width equal 18 square centimeter. Length is not given, but width is given is 8 centimeter. And we want L, so we divide both sides with 8. Though 18 divided by 8 equal L equal to 10. So, hame mila length hai Arushi ke greeting card ke 10 centimeter. अब बहुत इजी वे से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे एज वी नो द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी 2 लेंथ इज 10 सेंटीमीटर विड्थ इज 8 सेंटीमीटर एंड वी नो द आंसर 2 इन ब्रैकेट 18 एंड 2 इंटू 18 इक्वल 36 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर फॉर आरसीज ग्रीटिंग कार्ड इज 36 सेंटीमीटर. नाउ फॉर कबीर एंड हियर इज पेरीमीटर इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, एरिया इज गिवन एज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इट इज लिटल बिट डिफरेंट. एरिया लेंथ टू ब्रीथ इक्वल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी इक्वल 40 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स फाइंड आउट सच लेंथ एंड विड्थ.
Now this 2 is multiply this side, so divide both sides with 2. दोनों साइड से जो perimeter की है हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, आंसर मिलेगा एल प्लस बी इक्वल 40 डिवाइड विथ 2 इक्वल 20, मीन्स लेंथ प्लस विथ इक्वल 20 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड सच नंबर्स हुज एडिशन इज 20 एंड मल्टीप्लीकेशन 100. नाउ इट इज़ वेरी इजी दैट विच टू नंबर व्हेन वी एड वी गेट 20 एंड विच टू नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर वी गेट 100 एंड सच नंबर्स आर 10 एंड 10 हुज एडिशन इज 20 सेंटीमीटर एंड हुज मल्टीप्लीकेशन इज 100 सेंटीमीटर. तो हमें मिली है उसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब वो है 10 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर ग्रीटिंग कार्ड. चलो अब लिखते हैं इनके आंसर्स. नेक्स्ट इज माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. टेक अ थिक पेपर सीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 9 सेंटीमीटर. यू कैन ऑल्सो यूज एन ओड पोस्ट कार्ड जो है 14 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ है 9 सेंटीमीटर की. अब उसका निकालना है व्हाट इज एरिया. एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो जैसे लेंथ है 14 सेंटीमीटर, विड्थ है 9 सेंटीमीटर और मल्टीप्लीकेशन आया 126 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. 2 लेंथ है 14 सेंटीमीटर, विड्थ है 9 सेंटीमीटर, दोनों के ब्रैकेट में एडिशन हुई 23 सेंटीमीटर जो है 14 और 9 की और 23 मल्टीप्लाई 2 किए तो उसका पेरीमीटर आया 46 सेंटीमीटर्स. नाउ कट स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ ईट. अब हमें दिए हुए इस शीट से इक्वल इक्वल स्ट्रिप काटनी है जो होगी इक्वल साइज की. ऐसे मान लीजिए जो है इक्वल इक्वल आप कितनी भी साइज की काट सकते हैं. जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने स्ट्रिप काटी है जिसकी विड्थ है 1 सेंटीमीटर, लेंथ तो सभी की होगी इक्वल 14 सेंटीमीटर और सभी की विड्थ है 1 सेंटीमीटर. इस तरह से हम यहाँ पे काट पाएंगे 1-1 सेंटीमीटर विड्थ वाले अलग अलग स्ट्रिप्स जो बनी है यहाँ पे. कितने पर निकाल हो सकती है 9 सेंटीमीटर अगर विड्थ है तो 1-1 सेंटीमीटर वाली यहाँ पे हम काट सकते हैं 9 ऐसे स्ट्रिप्स. नाउ यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप्स एंड टू मेक अ बेल्ट. अब हमें ये स्ट्रिप जो एंड टू एंड ज्वाइन करनी है टेप लेकर से हम ज्वाइन करेंगे. अब हमें पता है इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर और विड्थ 1 सेंटीमीटर. ये बनी है टोटल 9 स्ट्रिप और एक एक करके हम एक दूसरे को इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगी बहुत ही लंबी इस तरह से जिसकी विड्थ होगी 1 सेंटीमीटर लेकिन जिसमें है 14 सेंटीमीटर वाली 9 स्ट्रिप इस तरह से. तो ये बनेगी बहुत ही लंबी स्ट्रिप इस तरह से. अब हमें देखना है हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट. अब देखना है ये कितना लंबा बना है हमारा बेल्ट. हमें पता है इसमें है 14 स्ट्रिप जिसकी लेंथ है, इसमें है 9 स्ट्रिप जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर. तो हम करते 14 इंटू 9 और जिसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 126 सेंटीमीटर. तो हमें पता चला हमारा बेल्ट बना है लंबा जो है 126 सेंटीमीटर का. चलो अब ढूंढते हैं इसका पैरामीटर. तो फॉर्मूला फॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, मीन्स 2 इन ब्रैकेट लेंथ इज 126 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इन ब्रैकेट 126 प्लस 1 मीन्स 2 इन ब्रैकेट 127 एंड 2 मल्टीप्लाई 127 इज मल्टीप्लीकेशन इज 254 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हुआ हमारे इस लंबे बेल्ट का वो हुआ है 254 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास. क्लास में सबसे लंबी बेल्ट है किसकी. तो जिस बच्चे की विड्थ होगी सबसे कम, जिसकी पतली पतली स्ट्रिप होगी उसकी बेल्ट होगी सबसे लॉन्ग. 1 सेंटीमीटर का 126 हुआ था तो उससे बहुत कम अगर लेगे तो बनेगी बहुत ही लंबी हमारी बेल्ट. अब देखते ये कैसे हुआ है. तो मान लेते इफ आई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट द लॉन्गर बेल्ट दैट अदर्स, क्योंकि जिसकी पतली पतली बेल्ट हुई है वही होगी लॉन्ग वाली. इस तरह से जो बनाएगा पतली बेल्ट उसकी बेल्ट होगी उतनी लंबी. हमें देखना है क्योंकि उसकी लेंथ है इक्वल और विड्थ है
वो है 9। तो 9 के हम जितने कम से कम उसके टुकड़े करेंगे उसके इक्वल में, उसकी उतनी लंबी होगी बेल्ट इस तरह से। अब नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट इज सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट। तो उन्होंने पूछा है क्या उसका एरिया सेम होगा, तो यस उसका एरिया सेम होगा, वो होगा 14 × 9 जो आया है 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो इक्वल होगा क्योंकि हमने उसके एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं की है क्योंकि लेंथ और विड्थ अलग अलग है लेकिन सबके मल्टीप्लीकेशन आएंगे सेम। नाउ व्हाट विल यू डू टू गेट लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम, तो हम क्या करेंगे उससे बहुत 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 पतली हम उसकी बेल्ट बनाएंगे ताकि अब हमें मिले इस तरह से लॉन्गेस्ट 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 बेल्ट। अब उन्होंने कहा है दिस बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट, लुक आई कैन पास थ्रू द दिस बेल्ट आई मेड द लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप। तो उन्होंने इस तरह से लूप बनाया है जिसके अंदर से वो जा सकते हैं इस तरह से। तो बनाइए बहुत ही लंबी बेल्ट इस तरह से और दिखाइए मुझे लंबी बेल्ट बनाकर। तो इस तरह से हमने आज का सेशन किया है पूरा। थैंक यू वेरी मच।